मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी है। लगभग 23 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इसी इलाके में पिछले साल भी बिल्डिंग का हिस्सा गिरा था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि NDRF की टीम और बचाव कार्य की बात करें तो लगातार यहाँ पर जवान जो है कि लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय जो कि घटना घटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। आपको बता दें कि इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो है कि मुआवजे की बात कही है, खास करके जो बीमार लोग हैं उन्हें इलाज की बात कही है। वारिस पठान ने आरोप लगाया है कि मनपा जो कि कर्मचारी थे उनकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है, जबकि इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि कही जा रही है और अभी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ मुरारी सिंह, ANM न्यूज, मुंबई। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার। গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ মারণ সেন্সেশন, রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। একটু সতর্কতা বাঁচাতে পারে আপনার প্রাণ। মালদা শহরকে করে তরুণ আরও যানজটমুক্ত, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সবারই দায়িত্ব পথ সচেতনতা তৈরি। সৌজন্যে মালদা জেলা পুলিশ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।